दिल्ली एनसीआर की हवा में दिवाली के 3 दिन बाद घुला हुआ है जहर, आंखों में जलन और सांस लेने में शिकायत। सिरसा में प्रशासन की चेतावनी के बावजूद किसानों ने जलाई पराली, स्मॉग और धुएं की वजह से सांस लेना मुश्किल। हरियाणा के फतेहाबाद में पराली पर घमासान, सरकार से मशीन नहीं मिलने पर किसानों ने खेतों में लगाई आग। राजसमंद के मेले में भड़की गाय, युवक को रौंदा, स्थानीय लोगों की मदद से बची जान। छठ के चलते रेलवे स्टेशन पर भीड़, स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के बावजूद कम नहीं हुई लोगों की मुश्किल। मुंबई के वडाला में पुलिस के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, पुलिस हिरासत में युवक की कथित मौत पर विरोध प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी में खेत में गिरा हाई टेंशन वायर, 2 एकड़ गन्ने की खड़ी फसल जलकर खाक। कानपुर में टायर गोदाम में भीषण आग, लाखों के टायर जलकर खाक। करनाल के पुष्पांजलि आर्ट एम्पोरियम में आग, भारी नुकसान का अनुमान। दतिया के रतनगढ़ मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, सांप के काटने पर जहर के असर से बचने के लिए मंदिर में पूजा। कानपुर में पत्रकार की हत्या के बाद बवाल, परिवार ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप, हत्या की आशंका के बावजूद नहीं की गई कार्रवाई। पटना में युवक की पीट पीट कर हत्या, पशु चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने बनाया निशाना। आरा में ज्वेलर्स की गोली मारकर हत्या, दो लोग ने दुकान में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। मोतिहारी में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, 1 लड़की को बचाने के दौरान हुआ हादसा। सुल्तानपुर ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य अभियुक्त की सरेआम हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। यूपी के फतेहपुर में 3 साल के बच्चे की मिली लाश, 1 दिन पहले घर से बाहर किया गया था अगवा। गाजियाबाद में टोल प्लाजा में लूट के मामले में 5 बदमाश गिरफ्तार, 2.5 लाख की रकम और अवैध हथियार बरामद। लखनऊ जेल रोड मस्जिद के इमाम पर जानलेवा हमला, हाथ और सिर पर आई चोटें, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। झांसी में पूर्व शिक्षा मंत्री रवीन शुक्ल के बेटे की हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया में किया पोस्ट। वीडियो वायरल होने पर सामने आए नेताजी के बेटे ने कहा, राइफल लाइसेंस ही रखने के लिए हथियार नहीं। उदयपुर के एक रिजॉर्ट में आबकारी विभाग का छापा, लाखों की अवैध शराब बरामद। पाली स्टेशन में सर्च ऑपरेशन के दौरान चोरी के गहनों के साथ युवक गिरफ्तार, बैंगलोर में 1 किलो जेवरात के साथ हुआ फरार। मध्यप्रदेश के रीवा में आश्रय शिशु गृह में यौन शोषण का सनसनीखेज खुलासा, प्रशासन ने किया सील। अमेरिका की दंपत्ति ने 2 बच्चों को लिया था गोद, काउंसलिंग के दौरान बच्चों के बयान से मामले का खुलासा। रीवा में लोकायुक्त एसपी बनकर ठगी करने वाला शख्स गिरफ्तार, 50,000 की उगाही करने असली पुलिस ने पकड़ा। अजमेर डेयरी अध्यक्ष पर लड़की ने लगाया रेप का आरोप, लड़की ने कहा मेरे पास ऑडियो टेप, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। दिल्ली के वेलकम इलाके में युवक का शव बरामद, गोला मारकर की गई हत्या, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। झारखंड के जामताड़ा में 2 साइबर अपराधियों की संपत्ति कुर्क, लंबे समय से फरार होने पर कार्रवाई। उधमपुर पुलिस ने सड़क हादसे में युवक की मौत को बताया हत्या, पत्नी के प्रेमी और उसके दोस्त को पति ने कार से मारी थी टक्कर। असम के बगाई गांव में जीआरपी ने सरायघाट एक्सप्रेस से ड्रग्स की खेप पकड़ी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ से ज्यादा है खेप की कीमत। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में बड़ा हमला, आतंकियों ने मजदूरों को गोलियों से भूना, 5 की मौत, 1 घायल। वारदात के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ। मारे गए सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले, ममता ने कहा परिवार को हर संभव मदद देगी सरकार। आतंकवादियों के निशाने पर एक बार फिर गैर कश्मीरी लोग, पिछले 15 दिन में 4 ट्रक ड्राइवर, 1 सेब कारोबारी और दूसरे राज्य से आए 6 मजदूरों की हत्या। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोल पार्टी पर की फायरिंग, हमले में कोई घायल नहीं। अगले 48 घंटे में कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बड़े आतंकी हमले की फिराक में आतंकवादी, हाई अलर्ट जारी। आतंकियों के निशाने पर सेना के कैंप, सरकारी दफ्तर के साथ भीड़भाड़ वाले इलाके। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेनेड या आत्मघाती हमला कर सकते हैं आतंकवादी, बढ़ाई गई सुरक्षा। कश्मीर में यूरोपियन डेलीगेशन के सांसदों की यात्रा का आज दूसरा दिन, एलओसी का कर सकते हैं दौरा। ईयू के 23 सांसदों ने कश्मीर में लिया हालात का जायजा, डल झील में शिकारे का उठाया आनंद। यूरोपियन सांसदों के कश्मीर दौरे पर प्रियंका का तंज, कहा अपने सांसदों को रोकना और विदेशियों को भेजना अनोखा राष्ट्रवाद। ईयू के सांसदों के कश्मीर दौरे पर आलोचना पर बीजेपी सांसद शहनवाज हुसैन का पलटवार, कहा गुलमर्ग जाएं, अनंतनाग जाएं, किसने रोका है। महाराष्ट्र में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुने जा सकते हैं नेता। फडणवीस के सीएम पद पर दावेदारी से भड़की शिवसेना, कहा और विकल्प तलाशने को मजबूर न करे बीजेपी। शिवसेना 2.5 साल के फॉर्मूले पर सरकार बनाने पड़ी अड़ी, बीजेपी पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। शिवसेना की बयानबाजी से बीजेपी नाखुश, अमित शाह ने रद्द किया महाराष्ट्र दौरा। बीजेपी सांसद संजय काकड़े का नया शिगुफा, कहा शिवसेना के 45 विधायक बीजेपी के संपर्क में, सरकार बनाने को तैयार। निर्दलीय विधायकों को अपने अपने खेमे में करने में जुटी बीजेपी, शिवसेना अब तक 5 ने शिवसेना तो 6 ने बीजेपी को दिया समर्थन।
महाराष्ट्र में कांग्रेस का दांव, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा शिवसेना ने समर्थन मांगा तो करेंगे विचार। दो दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी, देर रात सऊदी से भरी थी उड़ान। पीएम मोदी और सऊदी के क्राउन प्रिंस ने कई समझौतों पर किए हस्ताक्षर, तेल और गैस, रक्षा के क्षेत्र में बनी सहमति। सऊदी अरब के एफआईआई फोरम में पीएम ने दोहराया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा, दुनिया के निवेशकों को गिनाया भारत में निवेश का फायदा। पीएम ने विदेशी निवेशकों को कहा हर ग्लोबल रैंकिंग में भारत का प्रदर्शन बेहतर, एफडीआई पॉलिसी को बनाया गया सुगम। 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी, प्रशासन आखिरी दौर की तैयारियों में जुटा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को उत्तर प्रदेश पुलिस ने राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाएगी, योगी सरकार का फैसला। आज अमेठी के दौरे पर जाएंगी स्मृति ईरानी, कल रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की तीसरी पदयात्रा, 15 किलोमीटर का तय किया सफर। गंगोत्री से पदयात्रा कर उत्तरकाशी पहुंची उमा भारती, लोगों से की गंगा को साफ रखने की अपील। जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया काली भोग का आयोजन, सीएम रघुवर दास भी हुए शामिल। पीएमसी बैंक के पीड़ितों का मुंबई के रिजर्व बैंक के बाहर प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लहराकर वापस मांगी जमा पूंजी। मुंबई से सटे भिवंडी में वैक्स गोदाम में आग, पूरी इमारत जलकर खाक। मुंबई के फेरी वालों ने दो गुटों में मारपीट की, वीडियो वायरल होने के बाद 6 गिरफ्तार। मुंबई के वडाला थाने के बाहर हंगामा, पुलिस हिरासत में युवक की कथित मौत का विरोध। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सांडों की लड़ाई का पारंपरिक आयोजन, हादसों के बावजूद हर साल सजता है युद्ध का मैदान। अमेठी में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर हंगामा, लूट के मामले में पूछताछ के लिए लाया गया था आरोपी। लोगों के भारी दबाव के बाद अमेठी के क्राइम ब्रांच इंचार्ज समेत 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने लगाया था जनता दरबार, लोगों से की शिकायतें। गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार, लूट और हत्या के मामलों का है आरोपी। आरजेडी नेता तेज प्रताप पहुंचे मथुरा, त्योहार के मौके पर किया पूजा पाठ। कानपुर में जंगल में मिली शादीशुदा महिला की लाश, रेप के बाद हत्या का शक। मैनपुरी में बीजेपी नेता पर हमले का आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल बरामद। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ की एफआईआर, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। वाराणसी में इमारत की बालकनी में 8 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप, 1 घंटे की मेहनत के बाद पकड़ में आया। झांसी में सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत, बेकाबू वाहन ने मारी टक्कर। प्रयागराज में 2 दोस्तों की पीट पीट कर हत्या, वारदात के बाद इलाके में तनाव। लखनऊ में नाबालिग कैदी के अस्पताल में मौत, परिवार ने पुलिस पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। बुलंदशहर में आतिशबाजी को लेकर हुए विवाद पर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, तनाव के चलते गांव में भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के सिद्धार्थनगर में झोपड़ी में धधकी आग, हादसे में 1 बच्ची की मौत। अमेठी में दिवाली के दिन हुए हादसे का वीडियो वायरल, तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से हुई थी युवक की मौत। प्रयागराज में आतिशबाजी के चलते पावर हाउस के गोदाम में लगी आग, लाखों के मीटर जलकर खाक। अलीगढ़ में आतिशबाजी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग, लाखों का सामान जला। मुरादाबाद में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, दंपत्ति की मौत, कार ड्राइवर मौके से फरार। यूपी के बस्ती के बीच चौराहे पर गैंग वॉर, बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर पर दागी गोलियां। गाजियाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, प्रेम संबंध के चलते हत्या का आरोप। आगर मालवा में घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब, पत्नी की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। मुरैना में दिव्यांग पुजारी की धारदार हथियार से हत्या, गांव वालों का जमीन विवाद को लेकर वारदात का शक। मध्यप्रदेश के रीवा में फर्जी लोकायुक्त गिरफ्तार, धमकाकर पैसे ऐंठने की फिराक में पकड़ा गया। ग्वालियर में आईजी का अजीबोगरीब फरमान, साथी पुलिसकर्मियों को कहा चेन स्नैचर की धुलाई करो और प्रमोशन पाओ। रीवा में वीएचपी से जुड़े कारोबारी की हत्या, विरोध में बाजार हुए बंद। बिहार के बाद मवेशी चोरी के आरोप में एक युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया, 1 दर्जन आरोपी हिरासत में। मोतिहारी में बोटिंग के दौरान नाव पलटने से 2 लोगों की डूबकर मौत, चीन की बनी प्लास्टिक की नाव पर कर रहे थे सैर। गया में ऑर्केस्ट्रा डांस के दौरान दबंगों की फायरिंग, गोली लगने से बच्चे की मौत। कटिहार में गंगा स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरा ऑटो पलटा, 1 महिला की मौत। आरा में युवक की गोली मारकर हत्या, परिवार का आरोप प्रेम संबंध के चलते लड़की के पिता ने करवाया हमला। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प, 1 कार्यकर्ता की मौत। आजमगढ़ में ओवरटेकिंग के विवाद ने ली खूनी शक्ल, दबंगों ने घर में घुसकर मारी गोली। आंध्र प्रदेश के प्रकाशा में घरेलू कलह पर तमाशा, मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। भुवनेश्वर में सीआरपीएफ ने खेला दोस्ताना क्रिकेट मैच, फिल्म कलाकारों की टीम से मुकाबला।
मथुरा में विदेशी श्रद्धालुओं की गोवर्धन पूजा, ढोल मंजीरे के साथ छप्पन भोग लगाकर श्री कृष्ण की आराधना।